हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, यहाँ पे जो 67वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं और जो इनकी पीटी कराई जानी थी वो दो शिफ्ट में कराई जानी थी और उस परसेंटाइल के आधार पे, और यहाँ पे क्या खबर निकल के आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अध्यक्ष महोदय से यानी कतुल प्रसाद से बात किया है, जिसमें से ये निकल के आ रही है कि परसेंटाइल को अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भूल जाइए, और जो अगर पीटी का एग्ज़ाम आपका होगा वो दो शिफ्ट में ही होगा। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सारे सर दिक्कत हो सकती है, तो बोला कि निष्पक्ष एग्ज़ाम कराए जाएंगे और साफ सफाई से एग्ज़ाम कराई जाएगी। आप सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। लाख लोगों के लिए सेंटर मिला है, तो अगर हम लिए एग्ज़ाम लेंगे, अगर जल्दी लेंगे तो दो शिफ्ट में लेना होगा, नहीं तो फिर हम 6 महीना बाद ले सकते हैं एक शिफ्ट में, उससे पहले संभव नहीं है, सेंटर हमें नहीं मिल रहा। तो हम लोगों ने कहा कि कोई उपाय कीजिए कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम लेंगे दो शिफ्ट में लेंगे, अगर आप लोग ये कहते हैं तो हम नवंबर में कर सकते हैं। अभी मात्र 2.5 लाख लोगों के लिए ही सेंटर मिल पाया है, और परसेंटाइल पर क्या बोल रहे हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि परसेंटाइल पे आपत्ति है, तो परसेंटाइल शब्द को भूल जाइए कि परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक शिफ्ट में हम एग्जाम कराएंगे तो हमको 5 से 6 महीना लगेगा, उसके बाद भी हम करा पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पे साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि हम परीक्षा जब लेंगे तो साफ सुथरी परीक्षा होगी, अब दो पाली में भी हो सकती है, अगर दो पाली में होगी तो अच्छे जगह पे सेंटर आपको दिए जाएंगे, यदि एक पाली में कराए अगर होना चाहते हैं एग्ज़ाम अगर कराया जाएगा तो 6 महीना लग जाएगा, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा, सेंटर अभी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो बोल रहे हैं कि नवंबर में हो सकता है कि नवंबर में डेट अगर बढ़ेगा तो नवंबर में जा सकता है, अगर एक पाली में कराना होगा तो इतना कोशिश कर सकते हैं। और परसेंटाइल को कह रहे हैं कि भूलना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि अगर परसेंटाइल अगर नहीं लागू करते हैं तो उसको आप भूल जाइए, उसको भी हटाया जा सकता है। और सुनिए, पहले बात तो सुनिए, बात सुनिएगा तब ना। उसके बाद उन्होंने कहा अगर दो शिफ्ट में आप लोग चाहते हैं कि दो शिफ्ट में हो, परसेंटाइल हटा देंगे, तो नवंबर में हम एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है। सुनिए पहले बात सुनिए, तो बुधवार को हमें फिर से आने के लिए कहा गया, हम अकेले बुधवार को आएंगे। तो छात्रों से बात विमर्श करके अब अगले दिन बोला जा रहा है कि परसेंटाइल लागू नहीं होगा, ज़्यादातर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कराई जाए। धन्यवाद।